हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया? आज की क्लास में स्वागत है। आज ना मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बाकी के बचे हुए टैक्स रेट्स। बच्चों, आपको याद होगा इंट्रो लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको कुछ टैक्स रेट्स करवाए थे। आज मैं आपको इंट्रो लेक्चर नंबर 6 दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको टैक्स रेट दे रहा हूँ। वो तो कंपनी के करवा दिए थे आपको मैंने, स्लैब रेट करवा दिया। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बाकी के फ्लैट रेट्स, जो आपके बाकी के फ्लैट रेट्स हैं उनमें क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फ्लैट रेट्स के अंदर, जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था। बच्चों, आपको याद हो गया होगा अब तक, तो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है 30%। अगर 2020-21 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 2022-23 में टैक्स का रेट लगेगा 25%। ये बात मैंने आपको बताई थी। फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट है 40%। डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज बताया था 7% और 12%, और फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज है 2% और 5%। अब अगर हम बात करें आगे, तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म्स की। बच्चों, पार्टनरशिप फर्म को फ्लैट रेट टैक्स पे करना होता है 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है एट द रेट ऑफ 4%, HEC एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्म को क्या सरचार्ज पे करना होता है, तो बिल्कुल पे करना होता है बच्चों। फर्म को भी सरचार्ज पे करना होता है एट द रेट ऑफ 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 crore। अगर इनकी टोटल इनकम 1 crore से ज़्यादा होती है तो आपको फर्म को भी क्या देना होता है, टैक्स पे करना होता है, सरचार्ज पे करना होता है। फर्म के बाद आ जाती है बच्चों लोकल अथॉरिटी की बात। लोकल अथॉरिटी जैसे कि MCD, DDA वगैरह, इनके भी टैक्स रेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, विच इज़ 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, और सरचार्ज लगेगा आपका एट द रेट ऑफ 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 crore। अगर टोटल इनकम 1 crore से ज्यादा होगी तो। क्या मेरी बात समझ में आई? सो फर्म्स और लोकल अथॉरिटीज का फ्लैट रेट 30% फिक्स है बच्चों। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर याद करवा दूं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपनी इनकम पे टैक्स कैसे देना होता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहले 10,000 रुपये पर 10% टैक्स पे करती हैं, अगले 10,000 रुपये पर नेक्स्ट 10,000 पर 20% टैक्स देती है, और बैलेंस जो भी बच जाए, बैलेंस जो भी 10,000-20,000 रुपये से ऊपर होगा उस पर 30% टैक्स लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। क्या मेरी बात समझ में है? इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देखो सब ने ही दिया है तो इनको भी देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको भी पे करना होगा। इसके अलावा क्या सरचार्ज लगता है बच्चों? सरचार्ज, जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी लगता है। सरचार्ज का रेट गवर्नमेंट ने पहले 12% था, अब इसका 7% कर दिया है। तो अब याद रखना है आपको 7% सरचार्ज इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 crore। तो अगर आपकी टोटल इनकम 1 crore से ज्यादा है तो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी सरचार्ज पे करती थी 12%, अब पे करेंगी 7%। तो अब आपको 7 याद करना है। इज दैट क्लियर? सो टैक्स निकलेगा कैसे, मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई, अमूल है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, पता है ना आप लोगों को, 1 lakh rupees की इनकम है, 1 lakh rupees का प्रॉफिट है, टैक्स कैसे देगा? पहले 10,000 रुपए पर 10% यानी 1,000, अगले 10,000 रुपए पर 20% यानी 2,000, और बैलेंस जो बच गया 80,000 उस पर 30% यानी 24,000, यानी टोटल हो गया ये 27,000 प्लस सेस 4% का, जो कि लग जाएगा 1080, और टोटल हो जाएगा ये 28080। ये हमारी हो गई क्या, टैक्स लाइबिलिटी। और ऑब्वियसली अगर मेरी इनकम 1 crore से ज्यादा होगी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 7% का। क्या मेरी बात समझ में आई? बस ये छोटी सी बातें जो टैक्स रेट से रिलेटेड आपको कवर अप करनी है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा आप एक काम कीजिए, अब देखो माजरली बाकी सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले भी किया। इसके अलावा अब आप क्या कीजिए, आप एक सारी टैक्स रेट्स की क्या बना लीजिए, समरी बना लीजिए। टैक्स रेट्स की क्या बना लीजिए, समरी बना लीजिए। इस समरी के अंदर आप सारे टैक्स रेट लिखोगे। इनफैक्ट टैक्स रेट्स के अलावा सरचार्ज लिखे हुए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सीरियल नंबर,
यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन, किस पर्सन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ टैक्स रेट की, और यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ सरचार्ज की। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल की। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की जिनकी एज बिलो 60 इयर्स है ना, जिनकी एज बिलो 60 इयर्स है, उनके लिए सेम स्लैब रहेगा। वो कौन लोग हैं जिनकी एज बिलो 60 इयर्स है और स्लैब रहेगा, तो वो है कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस अबव 10 लाख जो भी होगा उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट आपको पे करना होगा। सरचार्ज की बात करें बच्चों, तो सरचार्ज जो है वो लगेगा आपको, आपको याद होगा सरचार्ज बताया था मैंने आपको, सरचार्ज लगेगा 10% अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 15% अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 25% अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, और 37% अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कोई भी एज हो, सबके लिए यही स्लैब है। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए पता है ना, कोई भी एज हो उनके लिए यही स्लैब है। इनफैक्ट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ही क्या, मैं इसी में लिख देता हूं HUF, और क्या लिख देता हूं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और क्या लिख देता हूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और लिख देता हूं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, सबके लिए यही स्लैब है सेम, और सेम सरचार्ज रेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, यस और नो एवरीवन? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन में वो लोग जिनकी एज 60 और अबव है, जिनकी एज 60 और अबव है बट बिलो 80 है, वो लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चों। और उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, उनके लिए बोला गवर्नमेंट ने कि इनको 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं पे करना, पहले 3 लाख पर 0, 3 लाख से लेके 5 लाख यानी अगले 2 लाख पर 5%, 5 लाख से ज्यादा यानी अगले 5 लाख रुपए पर 20%, और बैलेंस जो भी इनकम बच रही है अबव 10 लाख तो उस पर 30%। अब बात करें सरचार्ज की, तो सरचार्ज इज सेम, सरचार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो गया हमारा थर्ड। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रेजिडेंट सुपर सीनियर सर्जन, जिनकी एज 80 और अबव हो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, और इनको बोला गया कि पहले 5 लाख रुपए तक टैक्स 0 है, अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स सीधा 20% है, और अबव 10 लाख जो भी बैलेंस इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। सरचार्ज सेम। यस और नो? ये तो हो गई कहानी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI और AJP की, है ना? अच्छा फिर BOI और AJP की। अच्छा फिर इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक कंपनी की, तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो 30% लगेगा या 25% लगेगा, यस और नो? और सरचार्ज की बात करें तो एक है 7% अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है, 12% लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ क्रॉस हो जाती है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी के लिए, तो फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट बताया गया था 40%, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ कट जाती है तो सरचार्ज लगेगा
2%, वरना 5% लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ क्रॉस कर जाती। यस और नो? ये हो गई फॉरेन कंपनी। फिर बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 7 में हम पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म पे फ्लैट रेट लगता है 30%, सरचार्ज कितना लगता है 12% अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है। 8 फर्म के अलावा आप याद कर सकते हो बच्चों लोकल अथॉरिटी जिस पर टैक्स का रेट कितना है 30% और इस पर फ्लैट रेट कितना है 12% अगर आप सरचार्ज कितना है 12% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है। और पॉइंट नंबर 9 अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इसके लिए मैंने आपको टैक्स रेट बताया। इसके लिए मैंने आपको बताया पहले 10,000 रुपये पर 10%, अगले 10,000 रुपये के ऊपर 20% और बैलेंस जो बच गया उसके ऊपर 30%। सरचार्ज की बात करें तो 7% लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 1 crore। ये हैं हमारे सारे के सारे टैक्स रेट्स आपके सामने, सारे कंप्लीट टैक्स रेट्स, ठीक है, सारे टैक्स रेट्स बता दिए। सिर्फ इसके अंदर अभी क्या चीज रह गई है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, बट हम लोग करेंगे तब जब मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा। अभी मैं बुक से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, जब मैं बुक से पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको वो चीज करवाऊंगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताना है एक न्यू रिजीम, ठीक है, इसमें भी ऑब्वियसली वो सारी कैटेगरीज में आती है, तो रेजिडेंट वाली तो सारी कैटेगरी में, इंडिविजुअल्स वाली सारी कैटेगरी में आएगी। सो न्यू रिजीम फॉर इंडिविजुअल्स, चाहे वो बिलो 60 ईयर्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल HOF बिलो 60 ईयर्स हो, 60 और अबव हो या 80 प्लस हो, सबके लिए एक ही कैटेगरी। फिर इसके बाद एक कंपनी के भी कुछ न्यू टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया है, ये हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे बुक के साथ ही। न्यू टैक्स रेट सेक्शन के बताऊंगा मैं आपको फर्म्स और उसके बाद लोकल अथॉरिटी सबके लिए, बाकी सबके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक न्यू टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग बुक के साथ ही पढ़ेंगे बच्चों, जहां जहां है वहां वहां लिख लो न्यू टैक्स रेट कहां कहां पे, ठीक है, वो वाली चीज हम लोग बुक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया टैक्स रेट का कंटेंट हो गया खत्म, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग थियोरेटिकल टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक से, तो अगली क्लास में बुक जरूर लेके आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।